हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नोलॉजी मूवीज चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि रेडमी नोट 11 सीरीज़ के बारे में है, जिसके लिए कल रात को एक अपडेट देखने को मिला था 205 MB का, जो कि 13.0.5.0 का इंडियन स्टेबल अपडेट बीटा पायलट टेस्टर्स को देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिला था ये वाला अपडेट। और यहाँ पे आपको इसी के साथ अप्रैल का सिक्योरिटी पैच 2023 का अपडेट देखने को मिला है, जो कि सिक्योरिटी के साथ आपको अवेलेबल हुआ है। इसमें आपको कौन से नए फीचर्स देखने को मिले और कौन से बग्स को फिक्स करा गया है और इसमें कौन से नए वाले बग्स आपको देखने को मिले, इसी के बारे में अपन बात करेंगे। गेमिंग परफॉर्मेंस का सारा फ़ोन का वगैरह वगैरह सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं कुछ हिसाब से 13.0.5.0 का स्टेबल अपडेट बीटा पायलट टेस्टर्स के लिए अवेलेबल हो चुका था कल रात को, और मैंने इसको अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो अभी आपको जो नॉर्मल यूज़र्स हैं उनको 2-3 दिन में ये अपडेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 90Hz पे अभी मैं रन कर रहा हूँ इस डिवाइस को, जो कि बिल्कुल ही स्मूथली वर्क करता है। जो पहले जिटरिंग कर रहा था 90 और 60 हर्ट्स में, वो अब बिल्कुल बंद कर दिया है इन लोगों ने इस वाले अपडेट में। आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी मैं फ़िलहाल 90 हर्ट्स के ऊपर रन कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो इन्होंने अभी तक कुछ और नया तो अंदर नहीं करा है, सेफ वही का वही दे दिया है अपडेट में। 205 MB में सिर्फ बग्स फिक्स करे गए हैं, और एक नया बग्स मेरे को देखने को मिला है कल रात को। पता नहीं आप लोगों को देखने मिला है कि नहीं, पर मेरे डिवाइस में कल रात को एक नया बग देखने को मिला है इसको अपडेट करने के बाद। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल इसको चूज़ पैकेज अपडेट से अपडेट मत करना, स्टेबल अपडेट का वेट करना आप लोग। स्पेशल फीचर्स में देख सकते हैं सिर्फ फ्लोटिंग विंडो और लाइट मोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे गेम टर्बो का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, अभी तक इन लोगों ने यहाँ पे ऐड नहीं करा है। बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो बैटरी में थोड़ा बहुत इन्होंने इम्प्रूवमेंट करा है बैटरी चार्जिंग में, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर बिल्कुल स्मूथ वर्क करना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। फिर एक और जो कि आपको प्री इंस्टॉल ऐप इस वाले अपडेट में देखने को मिली है, वैसे ही आप इसमें परेशान थे एप्लीकेशंस के जो कंपनी थ्रू दी गई थी उसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते थे, एक और अब एप्लीकेशन इसमें जोड़ दी गई है, ओपेरा ब्राउज़र। ये MIUI 13 का जो कि अपडेट है, MIUI 13 के जो लास्ट अपडेट्स होते हैं उसमें सारे डिवाइस को ये दिया गया है, जिसमें ओपेरा ब्राउज़र और एप वर्ल्ड का यहाँ पे एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। MIUI 14 के अपडेट्स में इसको हटा दिया जाएगा ओपेरा ब्राउज़र को। अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम ये हुआ है कि इन्होंने ओपेरा ब्राउज़र दिया है और क्रोम ब्राउज़र है, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र दिए ये दोनों के दोनों, ठीक है। इसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, आप देख सकते सीधा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा कि अनइंस्टॉलिंग का, ठीक है। फर्स्ट ये है, ये दिया कम से कम इसको तो हटा देते क्रोम ब्राउज़र को भी, दो में से एक का तो ऑप्शन देना चाहिए था ना इन लोगों को अनइंस्टॉल करने का, पर इन लोगों ने नहीं यहाँ पे दिया है। कैमरे में इन लोगों ने थोड़ा सा काम करा है, आप देख सकते हैं कैमरा कुछ बिल्कुल ही अच्छा वाला वर्क कर रहा है। अब चलते हैं बग्स फिक्सेस की ओर। तो कुछ बग्स इन लोगों ने फिक्स कर दिए, जैसे कि बैटरी ड्रेन हो रहा था और अब गेमिंग वगैरह करते थे तो गेमिंग में कंटिन्यूसली 60Hz ही आपको प्रोवाइड कर रहा है इस वाले अपडेट के साथ, और इसमें थोड़ा सा भी मतलब डाउन नहीं जा रहा है, और इसमें आपको 90 FPS का अभी तक सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। होप MIUI 14 के अंदर आपको शायद देखने को मिल जाए 90 FPS का सपोर्ट रेडमी नोट 11 के अंदर। विजेट्स की बात करें तो विजेट्स में इन लोगों ने ये वाला ज़्यादा कुछ तो ऐड नहीं करा, सिर्फ इतना ऐड करा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थीम वगैरह आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस हिसाब से, थीम्स का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और कुछ हिसाब से आपको देखने को मिल जाते हैं।
और जो मैं बग्स की बात कर रहा था, बग्स आपको प्ले स्टोर के अंदर देखने को मिला है। जैसे कि अपन चलते हैं प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाके कोई भी एप्लीकेशन अपन डाउनलोड करेंगे, समझ लो मैं कोई छोटी बड़ी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ, ये वाली कर रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा बग देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गया, अब ये इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल किया बस, ये बग है यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने मिनिमाइज करा था, यहाँ पे रिसेंट बार में प्ले स्टोर नहीं शो हो रहा है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे मैं क्लियर कैसे भी नहीं कर सकता, प्ले स्टोर ऑन ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, प्ले स्टोर बैकग्राउंड में रन भी कर रहा है बट अपन को यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ये वाले में पता नहीं Xiaomi ने क्या करा है, इसमें ये बग देखने को मिला है। जैसे कि प्ले स्टोर चलता हूँ मैं, आप देख सकते हैं लो, प्ले स्टोर बिल्कुल वर्केबल है बट वहाँ शो नहीं हो रहा है। जब भी अपन, जैसे ही ये गेम इंस्टॉल होती है, अपन मिनिमाइज करते हैं तो बैकग्राउंड में ये दिखता नहीं है। अब वापस अपन ने ओपन करा तब दिखना शुरू हुआ है। तो अभी अपडेट मत करना फिलहाल, शायद स्टेबल अपडेट में इसको फिक्स कर दिया जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।